तो दोस्तों अगर आप लोग जो इसी तरह का वीडियो बनाना चाहते थे, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों आप लोग जो किस तरीके से अपने एंड्रॉइड मोबाइल से दोस्तों इस तरह का वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है काइनमास्टर। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में नहीं है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको 1.1 वाला इशू सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर मीडिया का। सिंपली दोस्तों क्या करना होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा बैक बैकग्राउंड का, यहाँ से दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसको दोस्तों बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। और दोस्तों आपको इसके साथ 10 से 15 सेकंड बड़ा बना देना है, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ से आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा लेयर का, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा मीडिया का, इस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ से दोस्तों आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों कुछ इस तरीके का ग्रीन स्क्रीन वीडियो देखने को मिल जाएगा। सिंपल दोस्तों क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर साइज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों इसकी साइज़ को आपको फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों आपको अपने मोबाइल में उस पिच को सेलेक्ट करना है जिसमें दोस्तों आप अपना वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। पहले दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर जो है इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, आपको कुछ इस तरीके से आपको इस इमेज को रोटेट कर देना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ कुछ इस तरीके से आपको बड़ा बना देना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आपको सेंड टू बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आपको इसकी साइज़ को अपने वीडियो के बराबर कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों आपको। और राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है, वीडियो पे क्लिक करना है और दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्लाइड करना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आपको क्रोमा की कलर को ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको कलर को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपके वीडियो में ग्रीन पार्ट ना दिखे। चलिए दोस्तों वीडियो को एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको फिर से लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको एक लेयरी का ब्लैक स्क्रीन वीडियो देखने को मिल जाएगा। सिंपल दोस्तों क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उस वीडियो को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको लगा देना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आपको नीचे को स्लाइड करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आपको स्क्रीन को सेलेक्ट कर देना है और ऐसे बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा आगे की ओर स्लाइड करना है दोस्तों, और इस साइज़ को इस तरीके से आपको बड़ा बना देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है और आपको राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली आगे को स्लाइड करना है और यहाँ पर दोस्तों वीडियो में जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट है सिंपली आपको कैची वाले ऑप्शन पर जाकर इन सभी पार्ट को कट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है, सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ से आपको ऑडियो फीड आउट को ऑफ कर देना है और ऐसे राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को सेव करने के लिए सिंपली आपको शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट करके आपको इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लेना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।